श्री नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। गोरक्षनाथ जी का एक बहुत ही सटीक मंत्र मैं आज आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। ये मंत्र उन लोगों के लिए है जिनको धन की प्राप्ति चाहिए। धन और ज्ञान दोनों की प्राप्ति इस मंत्र से होती है। गोरक्षनाथ जी नवनाथों में और सिद्धों में एक बहुत ही प्रमुख शिक्षक हुए, जिन्होंने इस पूरे विश्व को बहुत कुछ दिया। माना जाता है कि गोरक्षनाथ जी का प्रादुर्भाव बहुत बार बहुत सारे रूपों में हुआ है। अंतिम रूप हम गोरक्षनाथ जी का जानते हैं जो 9वीं शताब्दी, 11वीं या 13वीं शताब्दी, जो अभी हिस्ट्री बुक्स में पढ़ाई जाती है। लेकिन हर युग में गोरक्षनाथ जी का जन्म हुआ अलग अलग स्थान पर, अलग अलग नाम पर। तो आज हम गोरक्षनाथ जी का एक पूजा विधान सीखेंगे जिससे कि धन और बुद्धि दोनों में बढ़ोतरी होती है। इसमें आपको क्या क्या चाहिए होगा, इस पूजा को करने के लिए आपके पास एक लकड़ी की का आसन होना चाहिए जो कि आपके आसन से ऊंचा हो। इसमें आप गोरक्षनाथ जी की स्थापना करेंगे, उनकी तस्वीर की या उनके मूर्ति की। तो आसन एक ऐसा रख लेंगे जो उच्च आसन हो, ठीक है। उसके ऊपर सूती या कूस का एक आसन बिछाएंगे, कम्बल भी बिछा सकते हैं। पहले मृगासन होता था जो अब तो इल्लीगल है। सदगुरु को पहनाने के लिए एक रुद्राक्ष, मूंगा या स्पटिक की माला रख ले। नाथ सिद्ध यंत्र आता है, वो मैंने फोटो साझा किया था पहले, तो उस यंत्र को बनाकर या फिर आप उसको खरीद करके अष्ट धातु में, ताम्र पत्र में या भोज पत्र में बना भी सकते हैं। उसको वहाँ स्थापित करेंगे। गोरक्षनाथ जी की तस्वीर हो या पीतल या अष्ट धातु की एक मूर्ति हो, वो वहाँ पे आप रखेंगे। गुरु जी की एक लकड़ी की आप खड़ाव रखेंगे और साथ में जल रखेंगे। चढ़ाने के लिए लाल पुष्प होना चाहिए, ठीक है, जैसे गुलाब है, या फिर साथ में आप चमेली, जो अपराजिता जो कि बहुत सुगंधित फूल है, वो रख सकते हैं, ठीक है। आम, नीम, बेलपत्र, वटवृक्ष, पीपल, ये सब के पत्ते आपको रखना होगा जो कि पंचपल्लव कहा जाता है, ठीक है। चढ़ाने के लिए अष्टगंध होना चाहिए आपके पास। कुछ फल रख लीजिएगा जैसे गुल्लर, आम, हाँ, इस तरह का फल चढ़ाया जाता है स्थान पर। और इसके अलावा जो पंचमेवा है, सुपाड़ी है, ये सारी चीज़ें आप रखिएगा। सबसे पहले आपको इसमें ये करना है कि एक कलश आप बैठाइएगा और उस कलश को अपने गुरु के नाम पर स्थापित कीजिएगा, आपके जो भी गुरु हैं, और गुरु के नाम पर उसको स्थापित करके सबसे पहले आप उसकी पूजा करेंगे। उसकी पूजा करने के बाद आप दूसरा काम करेंगे कि जो आपने यंत्र और गुरु गोरक्षनाथ जी की तस्वीर रखी है उसकी पूजा करेंगे। और जो पांच जो चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, जो मैंने पहले बताया है कि फूल से, गंध से, प्रसाद से, दीप से और अगरबत्ती से आप पूजा कर लेंगे। और फिर जो मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ उसका रोज़ 108 बार आप जाप करेंगे, ठीक है। मात्र 108 बार जाप करने से रोज़, लेकिन ठीक है, इसमें एक चीज़ है कि जितना, जिस मात्रा में आपको लाभ चाहिए उसी मात्रा में आपको उतने ही दिन का अनुष्ठान करना है। मैं 108 बोल रहा हूँ, आप एक मतलब 10 माला भी कर सकते हैं। ये साधना 3 दिन कर सकते हैं, 9 दिन कर सकते हैं, 11 दिन कर सकते हैं, 51 दिन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस साधना को एक बार में 1.5 साल तक किया जा सकता है। 1.5 साल में आपको जो भी आपका मनोरथ है वो पूरा हो जाएगा। अब मैं आपको मंत्र बताता हूँ, इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र है ओम ह्लीम श्रीम गोम निरंजन आत्मने सर्वकार सकलम कुरु। ओम गम गम एम एम ब्रिम ब्रिम गोरक्षम ज्ञानार्थे कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आप 108 जाप या फिर 10 माला एक दिन में करेंगे तो आपका जो भी सकल मनोरथ है वो पूरा होगा, वो ज्ञान और अर्थ से रिलेटेड जो भी मामला होगा वो सुलझ जाएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस साधना को करने से पहले आप अपने गुरु का परमिशन ज़रूर लें
उनके संज्ञान में होना चाहिए कि आप ये साधना कर रहे हैं। सिर्फ एक ये साधना आप अगर रोज करते हैं अपने घर पर, तो आपका गुरु कृपा से जो घर है उसमें कभी भी धन दौलत वैभव की कमी नहीं आएगी। आज के लिए इतना ही। एक लक्ष्मी साधना है जिसमें काफ़ी ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता होती है। मैं अपने कम्युनिटी में 2-3 दिन में वो सामग्री का लिस्ट डालूंगा, आप लोग उसका व्यवस्था करके रखें, फिर मैं उसके लिए वीडियो डालूंगा ताकि आप उसको आने वाले अमावस्या से शुरू कर सके। आज के लिए इतना ही। जिनको भूत प्रेतों में इंटरेस्ट है वो मेरी किताब अ हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, जो कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, वहाँ से ख़रीद के पढ़ सकते हैं। जिनको मेरे से अपॉइंटमेंट चाहिए वो www.aghortantrahasya.xyz पर जाएं, अपॉइंटमेंट सेक्शन क्लिक करें और मेरा अपॉइंटमेंट सीख कर सकते हैं। जिनको साधना का बेसिक मंत्र सीखना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका नंबर है 9431185885। डायरेक्ट बात करने के लिए एक ऐप है, कॉल मी फॉर ऐप, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर आप सर्च कीजिएगा rudranath@cm4 और उस पर आप कॉल कीजिएगा तो आपकी मुझसे डायरेक्ट बात होगी। शुभ गोरक्ष, आप लोगों पे अपनी कृपा बरसाए रखें, आप लोगों को विद्या और धन की कभी की कमी ना होने दे, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश।